ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, सब कुछ तो वो देख रहे हैं, कान में रुई डाल के बैठे हैं और इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं। इस बहुत सोची समझी चाल है उनकी, जिस तरीके का भी राजनीति भाषण वो देते हैं, वो दे या विपक्ष, जो सो कॉल्ड विपक्ष है, रीढ़ तो है नहीं विपक्ष की, तो वो रोल भी वो ठीक से निभा पाते अगर रीढ़ होती उनकी, तो क्योंकि सोच से तो दिवालियापन है उनका। और अभी जो स्थिति है वो बदतर हो चुकी है, हाथी के दर खाने के और दिखाने के, और तो वो कहावत को इन्होंने चरितार्थ कर दिया है। इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम क्या बताएं, सोनू तो सब पोल खोल ही दिया है, जैसा टीचर को रखे हैं एकेडमी के मार्क्स पे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे दूसरा दिन STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको कि हमारे साथ अभी STET की दो महिला मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है मैम? रश्मि श्रीवास्तव। दो दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन देखा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री के कान तक धूम नहीं है, क्या कहिए? इस बारे में कुछ कहना नया नहीं होगा, क्योंकि जू नहीं रेंगना या फिर कोई रिस्पांस नहीं देना, ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, सब कुछ तो वो देख रहे हैं, लेकिन वो कान में रुई डाल के बैठे हैं और इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं से कोई चूक नहीं है, बहुत सोची समझी चाल है उनकी, जो बहुत अच्छे से वो अपना निभा रहे हैं। और अगर हम लोग को परेशान कर रहे हैं तो इसमें उनका ही फ़ायदा है, जो वो जानते बूझते ही कर रहे हैं। देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम मंत्री हों, पुल का उद्घाटन करने हैं, लेकिन आप लोगों के पास नहीं आते। सिर्फ पुल का उद्घाटन ही क्यों, आप देखिए उनके पास बात करने के लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी और इस पे जिस तरीके का भी राजनीति भाषण वो देते हैं, वो दे या विपक्ष, जो सो कॉल्ड विपक्ष है, रीढ़ तो है नहीं विपक्ष की, कि वो मुद्दा उठाए या फिर ऐसी चीज़ें करे कि जो सच में दिखाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ सोसाइटी की तरफ, और जो रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं हम अपने आप को हमारा, तो वो रोल भी वो ठीक से निभा पाते अगर रीढ़ होती उनकी, तो क्योंकि सोच से तो दिवालियापन है उनका, सोच और विचार तो उनके अंदर है नहीं, तो विपक्ष तो मैं नहीं मानती। हाँ, जो सत्ता पक्ष में है वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अब वो रूलर की तरह बिहेव करने लगे हैं, जो समझ रहे हैं कि हम लोग उनसे हैं, तो उनके पास हर एक मुद्दा ज़रूरी है सिवाय इसके कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति राज्य में बनी हुई है और उससे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान ना देकर हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे बस उनका फ़ायदा हो और कुर्सी बची रहे। देखा जाए तो बिहार विधानसभा में बिहार के शिक्षा मंत्री यह कहते हुए नज़र आते हैं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है 2005 में देख लें और 2022 अभी का देख लें तो बहुत बेहतर हो गई है, क्या कहिए? बिल्कुल बेहतर हुई है, क्योंकि 2005 में जहां हम लोग इस भ्रम की स्थिति में थे कि नीतीश कुमार आए हैं और वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था शिक्षा के क्षेत्र में, जो खासकर हम लड़कियों ने महसूस किया था, क्योंकि उसके पहले की जो स्थिति थी हम लोग बाहर निकल नहीं पाते थे और स्कूलों में जो भी ड्रॉप आउट था या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को, लड़कियों को जो पढ़ने में परेशानियाँ होती थी वो दूर हुई थी, बहुत हद तक दूर हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद उनका एक टर्म खत्म हुआ, दूसरा टर्म में उससे कुछ ज़्यादा थोड़ी लापरवाही हुई, तीसरे टर्म में कुछ और अभी जो स्थिति है वो बदतर हो चुकी है। तो शायद ये जो कहा जाता है ना कि शुरू में आप दिखाने के लिए कुछ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो उस कहावत को इन्होंने चरितार्थ कर दिया है, हाथी के दांत खाने के कुछ और थे, दिखाने के कुछ और, जो हम लोगों ने देख लिया वो दिखाने के थे, अब खाने के दांत असलियत में वही है कि अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं वो, बाकी उनको राज्य के मतलब वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है और खासकर यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स से तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। तो सड़क पे धरने प्रदर्शन में यही दिखेगा आपको, मैन पावर और या फिर मजदूरों के रूप में पलायन करता हुआ। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रतिभा हुआ। दूसरा दिन धरना प्रदर्शन जी, मेरा दूसरा दिन है। हम लोगों ने प्रण किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री लिखित बयान नहीं दे रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे आपसे बात करें, कैसी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था? बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम क्या बताएं, सोनू तो सब पोल खोल ही दिया है, जैसा टीचर को रखे हैं एकेडमी के मार्क्स पे, जिस तरह टीचर का बहाल हुआ है, जिसको एडमिशन का हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आती, वो तो सोनू पोल खोल ही दिया है, तो बताने लायक नहीं है, आपको पता ही है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो मेरिट में आए हुए हैं 30,675, वो बहुत ही मेहनत करके और कहीं ना कहीं वो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है, जो भी मेरिट में आया हुआ है उनके पास मेरिट है तभी। और आप समझिए कि एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें 62,000 कैंडिडेट को पार करके, मेरा ही 5वां रैंक आया है, 62,000 कैंडिडेट को पार करके तब हम लोगों ने मेरिट में आया है। तो यही चाह रहे हैं कि STET मार्क्स पे जितना जल्द हो सके हमारा ज्वाइनिंग कराएं और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करें, क्योंकि ऑफलाइन जो हो रहा है नियोजन उसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है।
पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों की बात। तो नहीं सुनेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे, क्यों नहीं सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। कहाँ से आई हैं जी? हम सिवान से आ रहे हैं, बहुत परेशानी होती है इस गर्मी में अपने बच्चों को छोड़ के आना, और फिर खुद के लिए भी, अभी हम जाम में फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल से हम यहाँ आए हुए हैं। सिवान से रोज पटना आना जा रहा कर रही है प्रदर्शन जी, जी अपने हक के लिए, अपने हक के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं दोनों महिला है, गया से आई हैं तो एक सिवान से आई हैं, बहुत कड़ी मशक्क़त से पटना पहुंचती हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं। लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रही कि हमारी बहाली कर दे सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी बहाली जो है वो नहीं हो रही है। लगातार सरकार कई दावे कर रहे हैं लेकिन रोज़गार जो है वो बिहार में नहीं मिल पा रहा है। देखिए तमाम एसटीटी के मेरिटधारी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना, वहीं महिलाओं से अभी बात किया है जो एसटीटी की मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।